राव देशमुख साहब से कि आप अपना संबोधन दें। हम सबके नेता श्रीमती सोनिया जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, केंद्र सरकार में हमारे सहयोगी सीपी जोशी जी, शैलजा जी, मुकुल वासनिक जी, हमारे विभाग के राज्य मंत्री श्री आदित्य जैन, केंद्र सरकार के मंत्री श्री मीना जी, पायलट जी, महादेव सिंह जी, यहाँ के स्थानीय मंत्री श्री भरत सिंह जी, यहाँ के स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक, सभी उपस्थित सांसद और विधायक और सभी पदाधिकारी और लाखों की संख्या में उपस्थित भाई और बहनों, मैं सबसे पहले श्रीमती सोनिया जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज ये बहुत ही अच्छी जो हमारी स्कीम जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्घाटन करने का उन्होंने आज हमारी विनती को कबूल किया और आज वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि राजस्थान में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है और ये सारा क्षेत्र हमारे आदिवासी भाई और बहने बहुत तादाद में यहां पर रहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सीपी जोशी जी जो इस विभाग के मंत्री रहे, तभी उन्होंने तय किया था कि इसका शुभारंभ राजस्थान में होगा और हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी हमारे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने भी कहा कि ये कार्यक्रम यही होना है, महाराष्ट्र में नहीं होना है। तो मैंने कहा ठीक है, आपने पहले ही तय किया है और हमारे महाराष्ट्र के मुकुल जी आपके प्रभारी हैं, तो इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि इतने तादाद में लोग यहां पर आए हैं, मुझे लगता है कि राजस्थान के सिवा कोई और जगह नहीं होती इसका शुभारंभ करने की। जैसे हमारे सचिव ने आपको बताया कि यूपीए सरकार की तरफ से हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने महात्मा गांधी नरेगा इसकी शुरुआत की और मुझे यहां पर बताया गया है कि आपके जिले में आज 4 लाख के ऊपर मजदूर महात्मा गांधी नरेगा पर काम कर रहे हैं। एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय हमारे नेता ने आपके लिए किया है। जो लोग काम करना चाहते हैं उनको 100 दिन के लिए एक फैमिली के एक मेंबर को काम देने का एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ और जिससे ग्रामीण विकास को एक गति देने का काम उन्होंने किया है। मेरे विभाग की तरफ से ग्रामीण सड़कें बनाने का काम होता है, पीने के पानी की व्यवस्था करने की व्यवस्था हमारे विभाग की तरफ से होती है, खास करके जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए इंदिरा गांधी पेंशन की योजना इसी विभाग की तरफ से हमने लागू की है और खास करके ये जो योजना है ये योजना स्वावलंबन हमारे बहने जो हैं, हमने अभी सारे बहनों के साथ हमने बात की, जो हमने देखा, जो उन्होंने बात रखी हमारे सामने, हमारे नेता के सामने, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस योजना की तरफ से हमारे बहने अब बोलने लगी है, उनमें नया विश्वास उनमें जागा है और हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक हम वातावरण बने जाके उनको अपनी अपना रोजगार वो खुद अपने गांव में उस रोजगार को शुरू करें और उसके लगने वाली पूरी सहायता इस विभाग की तरफ से देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं बहुत ज्यादा समय आप लोगों का लेना नहीं चाहता कि हम सब हमारे नेता श्रीमती सोनिया जी को सुनने के लिए आए हैं और इसलिए बहुत ज्यादा लंबा भाषण नहीं करते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि राजस्थान को जितनी भी मदद हम इस योजना के द्वारा हम कर सकेंगे वो सारी मदद आपके लिए हम अवश्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका फिर से स्वागत करते हुए, आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय।